Hey guys, what's up? I am Saurav Rajput for Freel Adventure. Good morning from capital of Telangana, Hyderabad. So पेश है एक और नया सफर, एक और नई बस जर्नी, और आज की बस जर्नी होने वाली है कैपिटल ऑफ तेलंगाना हैदराबाद टू कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलोर की TSRTC यानी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गरुड़ा प्लस वॉल्वो में। वैसे आपको बता दूं, आज मैं कवर करने वाला हूं हैदराबाद से बेंगलोर की डे सर्विस, जो कि शुरू होती है यहाँ MGBS यानी महात्मा गांधी बस स्टैंड से सुबह 9:15 पे, और बेंगलोर हमें पहुँचा देती है शाम को 7:30, और जर्नी का डिस्टेंस है करीबन 585 किलोमीटर, और इस 585 किलोमीटर की जर्नी को तय करने के लिए मैंने पे करे हैं 1081 यानी 1081 रुपये। बस की टिकट आप बुक कर सकते हो TSRTC की ऑफिशियल वेबसाइट से, इसके अलावा दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म पे भी इनकी बस अवेलेबल है। बाकी यार MGBS का ये बस स्टैंड देखो कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। खाने पीने की सुविधा अवेलेबल है, AC वेटिंग लॉन्ज यहाँ अवेलेबल, और सबसे खास बात है कि मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि जस्ट इसके सामने ही मौजूद है MGBS मेट्रो स्टेशन। और खाने का इसलिए भी मेंशन करा क्योंकि यहीं MGBS पे एक रेस्टोरेंट है, नंदिनी कैफे एंड वेज रेस्टोरेंट। क्या साउथ इंडियन फूड बनाते हैं, लास्ट टाइम आया था तब भी मैंने यहाँ पे साउथ इंडियन फूड खाया था, और अभी भी मैंने यहाँ पे मसाला डोसा खाया था, तो भाई ज़बरदस्त बना रखा है। तो अगर कभी आप MGBS पे आ रहे हो तो नंदिनी रेस्टोरेंट का साउथ इंडियन फूड ट्राई आप कर सकते हो। और इधर MGBS पे दुनिया भर की TSRTC की बस आपको देखने को मिल जाएंगी। ये खड़ी है TSRTC की सुपर लग्जरी बस, उधर खड़ी है एक्सप्रेस बस, और ये जो ग्रीन बस आप देख रहे हो ना, इस बस को बोलते हैं राजधानी बस, और ये है वॉल्वो 840 सीरीज की एक बस। तो देखो यार क्या शानदार बस लग रही है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने इन बसेस में ट्रैवल करा है तो कमेंट करके मुझे बताओ ज़रा। तो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया, और एज यूजुअली वॉल्वो में 2x2 का सीटिंग कम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। हर सीट के ऊपर AC ब्लोर, रीडिंग लैंप, ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके छोटे मोटे बैग आ जाते हैं, बाकी जो मेन बैग हैं वो आपके आते हैं नीचे बने मेन कंपार्टमेंट में। सारी सीट्स रहती हैं पुश बैक, बटन यहाँ से दबाइए और सीट को पुश बैक आप बना लीजिए, और बाकी वही सब जो कि वॉल्वो में हम आपको अक्सर दिखा चुके हैं, फुट रेस्ट, थाई रेस्ट, बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, सीट होल्ड करने के लिए हैंडल एक इधर मिल जाता है, उधर भी ग्रिप के लिए एक हैंडल मिल जाता है। बाकी देखो ड्राइवर या फिर को ड्राइवर के लिए सोने के लिए कैसी अरेंजमेंट बनाई हुई है, तो यहाँ पे विंडो साइड वाली सीट हटाई हुई है और एक ये बड़ा सा स्टूल लगा रखा है, जिस पे कि ड्राइवर या फिर को ड्राइवर जिसका मन चाहे वो सो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि बस यहाँ पे आने में काफ़ी लेट हो गई है, बस का जो यहाँ आने का टाइम था वो 9:15 था, लेकिन पूरे 1 घंटे बस यहाँ पे लेट आई है। और बाकी जैसे आपको बता रहा था कि बस यहाँ आने में करीबन 1 घंटा लेट हो गई, और काफ़ी सारे पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करा रखी थी, वो सोच रहे थे कि बस आएगी और हम ऑफलाइन टिकट बुक करवा लेंगे, लेकिन जैसे ही बस आई उनको पता चला कि बस ऑलरेडी फुल है। तो कुछ पैसेंजर ऐसे भी थे जो बस में चढ़ गए और बोल रहे कि हम खड़े होकर चले जाएंगे, तब ड्राइवर साहब ने बताया कि ये खड़े होकर जाने वाली बस नहीं है। बाकी बस देख लो क्या शानदार, ये वॉल्वो B11R मल्टी एक्सल बस है, हालांकि कंडीशन थोड़ी सी पुरानी सी हो गई है, बट ठीक है यार, वॉल्वो है और वॉल्वो का सफ़र रहता है आरामदायक। तो चलिए जी अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। बाकी जी बात करें बस के रूट की, तो बस का रूट रहने वाला है हैदराबाद से कुरनूल, कुरनूल से आनंदपुर, है ना, आनंदपुर से बेंगलोर। बस पहुंची है अभी अपने सेकंड बोर्डिंग पॉइंट शिवरामपली आरमघर क्रॉस रोड, और देखो पैसेंजर वगैरह यहाँ से बोर्ड हो रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से बोर्ड करना चाहें तो यहाँ से भी बोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो बोर्डिंग पॉइंट है ना, ये TSRTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे और रेड बस पे जब आप हैदराबाद डाल के बेंगलोर के लिए टिकट बुक करोगे तो वहाँ पे भी ये बोर्डिंग पॉइंट दिखाता है। सीट नंबर दाना। तो जी अभी हम पहुंचे हैं शमशाबाद, और यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है ये वाला, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद की तरफ। और ये जो ऊपर जाती हुई रोड आप देख रहे हो ना, ये है
नेहरू आउटर रिंग रोड जो कि पूरे हैदराबाद के ऐसे मतलब चक्कर काट रही है। वैसे आपको बता दूं कि TSRTC की इस बस में एक वाटर बॉटल भी प्रोवाइड आपको करवा दी जाती है 500 ml की। तो मैं ऑलरेडी वाटर बॉटल लेके आया था इसलिए मैंने नहीं ली है, बट मेन बात है कि वाटर बॉटल बस में आपको मिल जाती है। और अभी जर्नी चल रही है NH 44 पे, और आज की जो कंप्लीट जर्नी है हैदराबाद से बेंगलोर की वो इसी नेशनल हाईवे 44 पे रहने वाली है। और क्या करें यार, नेशनल हाईवे 44 है ही इतना बड़ा, इतनी सिटीज़ को कनेक्ट करता है कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है NH 44 और NH 48। ये तो भाई साहब मैक्सिमम सिटीज़ में आपको मिल ही जाता है। टाइम हुआ 12:25 और बस ने हॉल्ट लिया है जचेलरा बस स्टैंड पे करीबन 10 मिनट का। अब इस 10 मिनट में क्या व्लॉग बना लो, क्या फ्रेश हो लो और क्या ही कुछ खा लो। तो व्लॉगर्स का देखो ऐसा कुछ सीन होता है, ये जो व्लॉग बनाने वाला पार्ट है ना ये अक्सर चीज़ों को मिस करवाया था। बाकी बात करें बस स्टैंड की तो छोटा सा बस स्टैंड है, बाकी वॉशरूम यार ठीक ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं है। तो 10 मिनट का ब्रेक है, चलिए कुछ खाने का सामान कर रहे हैं, कुछ खा लेते हैं। बाकी मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे ही मैं बस में चढ़ा था ना कंडक्टर साहब ने ब्लॉगिंग करने से मना कर दिया था। ड्राइवर साहब तो बोले थे कि बिंदास ब्लॉग बनाओ, लेकिन कंडक्टर साहब कह रहे थे कि भाई साहब आपको स्पेशल परमिशन लेके आनी पड़ेगी तब जाके आप बस में ब्लॉग बना सकते हो। तो जैसे जैसे उनको मनाया, बातों में थोड़ा लिया, तब जाके ब्लॉग बनाना शुरू करो। जैसे ब्लॉग बनाना शुरू करा फिर उन्होंने आगे कंटेंट डाल दिए। मैंने सोचा कि आज भाई ब्लॉग तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसे जैसे उनको मनाया और फिर ब्लॉगिंग थोड़ी सी स्टार्ट की, थोड़ा सा शूट करना स्टार्ट करा। बाकी बात करें जर्नी की तो जर्नी ठीक ठाक चल रही है। वॉल्वो का सफ़र है तो वॉल्वो का सफ़र तो यार बढ़िया ही रहता है हमेशा। NH 44 की जर्नी है और शादनगर बाईपास जैसे क्रॉस करा था वैसे मुझे नींद आ गई थी, अगर ये स्टॉप नहीं आता ना तो मेरी नींद नहीं खुलने वाली थी। तो जी डार्क फैंटेसी ले लिया है। वैसे तो यहाँ पे डोसा, इडली, मतलब साउथ इंडियन फूड काफ़ी वेराइटी में मिल रहा है। उसके अलावा कुछ तले हुए आइटम जैसे कि पकौड़े वकौड़े शायद उस टाइप से भी कुछ आइटम मिल रहे हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है अपने पास तो ये ले लिया अभी, और अभी से ही काम चलाना पड़ेगा। Yeah।
तो जी अभी हम पहुंचे हैं पुल्लूर नाम की जगह पे और क्रॉस कर रहे हैं तुंगभद्रा रिवर को। वैसे तो हमारी एंट्री हो चुकी है आंध्र प्रदेश में, पीछे आपने चेक पोस्ट देखी होंगी, बट आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये रिवर एक तरीके से बॉर्डर का काम करती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो ये तुंगभद्रा रिवर क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कुरनूर आंध्र प्रदेश में। टाइम हुआ 2:31 2:31 PM इन द आफ्टरनून और हम पहुँच गए हैं आंध्र प्रदेश के खूबसूरत शहर कुरनूल में। तो देखो अभी कुरनूल बस स्टैंड पे बस पहुंची है और यहाँ पे पैसेंजर वगैरह की डीबोर्डिंग चल रही है। टाइम हो गया 3:30, बस अभी रुकी है दोन नाम की जगह पे लंच होल्ड के लिए। बाकी बात करें जर्नी की तो जर्नी ठीक ठाक चल रही है, बस का एसी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, एसी ना थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या फिर उन्होंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रखा है, वो चीज़ समझ नहीं आ रही। बट जितना एसी को कूल करना चाहिए ना उतना थोड़ा सा कूल नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ से अगर जर्नी टाइमिंग की बात करो बेंगलोर तक की तो अभी भी 5.5 घंटे यहाँ से दिखा रहा है, क्योंकि बस 1 घंटा लेट भी आई थी। पहुँचने का जो टाइम था ना वो 7:30 बजे था, तो अगर 1 घंटे लेट है तो कायदे से 8:30 बजे हमें पहुँच जाना चाहिए। लेकिन मैं गूगल मैप पर देख रहा हूँ तो 5.5 घंटे दिखा रहा है, अभी आधे घंटे का यहाँ पे ब्रेक भी, तो आधे घंटे का ब्रेक भी जोड़ लो तो करीबन मोटा मोटा 9:30 के आसपास हमें टाइम लग जाने वाला। अगर जाम वाप भी लग गया तो हमें 10 भी बच सकते हैं। तो भाई साहब आज लग रहा है बेंगलोर पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और कुछ खाना पीना खा लेते हैं। तो जी खाना खा लिया और बाकी ये ढाबे के पीछे से नज़ारे देखो, पूरे दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं और उधर पीछे ना माउंटेन रेंज है, वो आपको शायद दिखाई नहीं देंगे ठीक से, जस्टिफाई नहीं हो पा रही होगी, बट वो उधर हैं। देखो इधर से दिखाई दे रही होगी आपको, छोटे छोटे से माउंटेन्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो जी खाना खा लिया, खाने में दाल पराठे लगवाए थे। अभी पराठे किस चीज़ के थे वो मुझे समझ नहीं आता कि मैदा के थे किस चीज़ के थे, क्योंकि वाइट वाइट नज़र आ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद मैदा के ना, हमारे यहाँ पे मैदा के यूजुअली उनको नान वगैरह बोल देते हैं, यहाँ पे पराठे, बट मैदा के लग नहीं रहे थे। चलो जो भी था खाना बढ़िया था। बाकी रेस्टोरेंट के नाम की बात करें तो यार नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे, चलो मैं गूगल से सर्च करके आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। 150 रुपये की वो थाली थी जिसमें 2 पराठे और प्लेट भर के दाल थी। तो चलिए जी, तो धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, चलिए अंदर चलते हैं और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। और इधर है हमारे ड्राइवर साहब जो अभी तक बस चला रहे थे, अभी दूसरे ड्राइवर साहब बस चला रहे हैं, मतलब 2 ड्राइवर रहते हैं बस में, कंडक्टर कम ड्राइवर, मतलब ड्राइवर कम कंडक्टर। हाँ ड्राइवर कम कंडक्टर। ओके, आपका गुड नेम क्या है सर? पीएल सिंह। और ये हमारे साहब हैं जो एक तरीके से बस में अटेंडर की भूमिका निभाते हैं, हेल्पिंग हैंड या फिर हेल्पर भी बोल सकते हो। क्या नाम है सर आपका? तो बस में इधर सामने ना सोनी की स्क्रीन लगी हुई है जिसमें कोई मूवी प्ले हो रही है, अभी मूवी का नाम तो मुझे पता नहीं लेकिन ठीक है काफ़ी कॉमेडी मूवी है, सब टाइटल्स के थ्रू मैं समझने की मूवी को थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो TSRTC की बस में एंटरटेनमेंट का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। अनंतपुर बस स्टैंड में अभी बस आगे रुकी है, पैसेंजर वगैरह की शायद बोर्डिंग वगैरह यहाँ से होगी।
और ये सामने आप जो बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये है किया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। किया कंपनी है ना जो गाड़ियाँ वगैरह बनाती है, और काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बाकी अगर एरिया की बात करें तो अभी हम आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहे हैं जहाँ पे ये किया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है। तो जी 12.5 घंटे की जर्नी पूरी करके मैं पहुंच गया हूं अभी बेंगलोर। वैसे जो ड्रॉपिंग पॉइंट था वो था मेरा मैजेस्टिक बस स्टैंड, बोले तो कैंपेगौड़ा बस स्टैंड, बट वहां से मैं अभी आ गया हूं अपने होटल के पास। बाकी बात करें जर्नी की, तो जर्नी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी आज, क्योंकि आज ना जर्नी करने का मन नहीं कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि जर्नी ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने आनंदपुर के बाद जर्नी रिकॉर्ड भी नहीं करी। और आनंदपुर के बाद कोडिकोंडा नाम की एक जगह पड़ती है, उसके बाद हमने एंट्री करी थी कर्नाटका के बॉर्डर में, और वहाँ से चिकाबल्लापुर क्रॉस करके मैं पहुंचता हूँ फाइनली बेंगलोर। तो लगता है थकावट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 7 दिन बैक टू बैक जर्नीज करते हुए हो गए हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि आज जर्नी करने का उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। लेकिन कोशिश पूरी करिए कि आपको एक अच्छी सी जर्नी दिखा सकूँ। तो चलिए अभी अपने होटल चलते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और पता ही खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।